नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU उनकी पुण्यतिथि पर ही दो धड़ों में बट गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता राजेश टिकैत अलग थलंग पड़ गए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में नई BKU अराजनीतिक बनाई गई है। खुद राजेश सिंह चौहान इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत राजनीति करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में एक दल का प्रचार करने के लिए कहा गया था। बता दें कि दो दिनों तक राकेश टिकैत लखनऊ में रहकर डैमेज कंट्रोल में जुटे थे, लेकिन वह सफल नहीं हुए। टिकैत का साथ छोड़ने वाले किसान नेता इस बात से खफा है कि यहां संगठन में सब किसानों के मुद्दों को छोड़कर राजनीति की तरफ जा रहा है। लखनऊ में राकेश सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी के फैसले के बाद मूल भारतीय किसान यूनियन की जगह अब भारतीय किसान यूनियन और राजनीति का गठन किया गया है। मेरा 33 सालों का संगठन का इतिहास है। 13 महीने के आंदोलन के बाद जब हम घर आए तो हमारे नेता राकेश टिकैत राजनीति तौर पर प्रेरित दिखाई दिए। हमने उनसे बात की और हमने कहा कि हम अराजनीतिक लोग हैं, हम किसी भी राजनीतिक संगठन के सहयोग में नहीं जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।